भगवान महावीर के अवतार। आज 2500 वर्ष पहले शुरू हुआ चैत्र वर्तमान में जो के अनुयायी है हम सब उनके अवतार की क्या तुलना है। अनेकांत सापेक्षता के नायक भगवान महावीर की, अहिंसा के उपासक भगवान महावीर, उनके जीवन का मूल उद्देश्य का चैतन्य का विकास और मानव का कल्याण। वैदिक और समर संस्कृति में मूल डिफरेंस यही है कि हमें भगवान महावीर ने खुद मुक्त बनने का मार्ग दिखाया है, न कि भक्त बनने का। और अहिंसा का मूल उद्देश्य उन संदेश हमें भावों से मिला है। उन्होंने इसको पूरी इंसानी सोच को हिंसा को भी बताया है। उन्होंने कोई भी तथ्य के मन को पकड़ा है, सिर्फ किसी को मारना काटना ही हिंसा नहीं है, बलि देना ही हिंसा नहीं है, भावनात्मक वाचिक और मानसिक हिंसा को भी उन्होंने हिंसा का ही दर्शन है। नारी उत्थान के बारे में हम सुन रहे थे, चंदन बाला का उदाहरण हमारे सामने है और हम सब नारी भगवान महावीर की वजह से ही शायद सामने बैठे हैं। जय नर की सिर्फ नारी को साधना करने का अधिकार नहीं है। दास प्रथाओं समय की मूल समस्या थी, वो मानवता के अध्यक्ष में थी। भगवान महावीर ने उसके अध्यक्ष में आवाज उठाई, उन्होंने कहा सब मानव समान है, किसी को भी दास बना के रखना, किसी की भी आजादी का अनुरोध करना ही मानवता के विरुद्ध है। भगवान महावीर के अनेक अवतारों में हम देख सकते हैं इच्छा परिणाम, जो आज के संदर्भ में भी हमें सही मालूम होता है कि अगर इच्छा परिणाम हो और संयम का पालन करे तो समाज में एकता संस्था का विकास हो सकता है। आज समाज में जितना ऊंचा नीचा है, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, लूट मार जितना भी है, सब कुछ है इच्छा परिणाम के दोषी वजह से। अगर परिग्रह की हम सीमा करें तो शायद समस्याएं और समाहित हो सकती है। उसके बाद दास प्रथा, अब उस समय की जो लोगों को दास बना के रखा जाता था, बंदी बना के रखा जाता था, बाजारों बाटों में बेचा जाता था, ये उस समय की मूल समस्या थी।